प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत, यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश देखने को मिली और बाकी पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रही। अब वेदर सिस्टम क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है और जो लो प्रेशर एरिया है वो दिल्ली के साउथ में नॉर्थ MP और उससे सटे हुए नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर आ गया है। तो पहले शुरू करते हैं कि पूर्वी भारत में कैसा रहेगा। तो पूर्वी भारत में अब बारिश की गतिविधियां कम होने लगी हैं, खास करके पश्चिम बंगाल के गंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और बिहार के ज्यादातर इलाकों में अब मॉडरेट शावर्स और कुछ हैवी स्पेल यानी कि काफी ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बिहार में शुरू हो सकती हैं, जैसे कि पटना, गया, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, चंपारण, सीतामढ़ी, इन सारे इलाकों में, अररिया, सुपौल, किशनगंज, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और नेपाल की पहाड़ियों पर भी जो तेज बारिश हो रही है उसके कारण से कुछ इलाकों में जल भराव या हल्की बाढ़ आने की संभावना है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है अगले दो दिनों तक जारी रहेगी और धीरे धीरे इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। झारखंड के जो उत्तरी जिले हैं उन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेगी, लेकिन बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी अब, क्योंकि जो वेदर सिस्टम जहाँ बने हुए थे वो आगे की तरफ चले गए हैं, यानी कि पश्चिम दिशा में आगे बढ़ गए हैं। उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ों पर अभी भी मूसलाधार बारिश जारी है और अभी भी कई इलाकों में भूस्खलन की संभावना बनी हुई है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकता है। और कई स्थानों पर अगर 50 से 60 या 70 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है जो एक दो घंटे के दौरान होती है तो क्लाउडवर्क जैसी स्थिति बन जाती है और जो पानी है इसको जहां जगह मिलती है उसी जगह वो चला जाता है और काफी वेग के साथ जाता है, तो अपने साथ पेड़ पौधे, मड और जो चट्टाने हैं उनको बहा ले जाता है, तो काफी ज्यादा नुकसान की आशंका इस इलाके में रहती है। तो अगले 4-5 दिनों तक पहाड़ी राज्यों का रुख न करें तो अच्छा रहेगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी जारी रहेंगी। अगले 3-4 दिनों तक इसमें कोई भी कमी आने की संभावना नहीं है। हालांकि बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर रहेंगी, लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम सुहावना बना रहेगा और तापमान सामान्य के नीचे ही बना रहेगा। अगर हम बात करें मध्य भारत की तो मध्य भारत में एक बार फिर अगले 2 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में, खास करके अगर बात करें तो जैसे ग्वालियर है, दतिया है, मुरैना, शाजापुर, शिवपुरी, गुना, अलीराजपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, देवास, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा रहेंगी। और राजस्थान के भी जो पूर्वी जिले हैं जैसे कि ये अलवर और धौलपुर से लेकर के सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सारे इलाकों में भारी बारिश रहेगी। डूंगरपुर, राजसमंद में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी रह सकती हैं, उदयपुर में भी अच्छे स्पेल हो सकते हैं, लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं उस इलाके में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में हल्की बारिश ही रहेगी। बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, पाटन, इदार, इन इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां काफी कम है और फसल अभी भी सूखने के कगार पर है तो यहाँ पर बारिश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन बदकिस्मती से अगले 3-4 दिनों के दौरान इन इलाकों में केवल हल्की बारिश ही रहेगी। हालांकि जो दक्षिणी जिले हैं जैसे कि सूरत, वलसाड़, नवसारी, टैंक, पंचमहल, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट हो सकती है और मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में भी हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर कम हो जाएंगी, हालांकि पिछले 2 दिनों के दौरान काफी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अभी जो मध्य महाराष्ट्र है और मराठवाड़ा, इस इलाके का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई, थाने, दहानू, कल्याण, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट यानी रुक रुक करके बारिश होती रहेगी, लेकिन भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है, एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। तेलंगाना में भी बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लाइट रेन होगी, एक दो मॉडरेट स्पेल होंगे। और जो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, काकीनाडा, कृष्णा, गोदावरी, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। रायलसीमा का मौसम शुष्क रहेगा। तमिलनाडु का मौसम भी शुष्क बना रहेगा। आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। केरल में अभी भी मानसून कमजोर बना हुआ है, हल्की बारिश ही हो रही है, मध्यम या हैवी रेन के चांसेस कम है। एक दो स्थानों पर हालांकि मध्यम बारिश देखी जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियों में काफी कमी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के मध्य भारत और उत्तर भारत के साथ साथ बिहार और उसके आसपास के इलाकों में मानसून सक्रिय बना रहेगा
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सिक्किम के साथ साथ जो हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल भी देखने को मिलेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।